हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का चैप्टर कंप्लीट हो गया था, मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी हो गया था। अब हम इस मैग्नेटिज्म का जो थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ आ रहे हैं। तो देखिए, दोनों जो चैप्टर थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वो आपने अच्छी तरह कर लिया, मैग्नेटिज्म एंड मैटर इसके क्वेश्चन आप कर लीजिए अच्छी तरह से, एनसीईआरटी से अच्छी तरह पढ़ लो, एनसीईआरटी के डिस्कशन अच्छी तरह कर लो। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर मैं पढ़ाऊँ, इससे पहले जरा मैं ईश्वर की रचना पढ़ा दूँ कि ईश्वर ने, गॉड ने या प्रकृति ने कैसा बनाया है हमारी दुनिया को। आपको बताऊँ, इसने, नेचर ने ऐसा तैयारी की है, जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज आते हैं तब तब मैग्नेटिक फील्ड पैदा होते हैं, जब जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आते हैं तब तब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। यानी कि गॉड ने, ईश्वर ने, नेचर ने या जो भी है, आप कुछ भी कहो, ऐसा बनाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो जो भी चीज़ें इस दुनिया में हो रही हैं हमारे अगल बगल में, इसके पीछे का कारण यही है कि जब जब इस जिंदगी में कहीं भी कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी तरह के चेंजेज आएंगे तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिवाइज कर लें एक बार। देखिए, मैं सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, सारी बातें वही हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हैं, एकदम सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सारे डायग्राम वही हैं, सारे एक्सप्लेनेशन वही हैं, सारी कैलकुलेशन भी वही है, यानी कुछ भी अंतर नहीं है। आप लोग जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक एक बार पढ़ ले, मैं यहाँ पर इसमें टाइम बिल्कुल भी ख़राब करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सब कुछ वही करूँगा, है ना। तो देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स में जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने लिखा था फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि ई वैक्टर डॉट ए वैक्टर लिखा था, है ना। फाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या लिखूंगा मैं, बिल्कुल वही लिखूंगा, बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर, राइट। इसको मैं लिखूंगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, राइट। ई वैक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। ए वैक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, एरिया वैक्टर के परपेंडिकुलर। थीटा क्या है, ई वैक्टर एंड ए वैक्टर के बीच एंगल। बी वैक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, एरिया के जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर। एंगल थीटा क्या है, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है, एकदम सेम, एकदम सेम। देखिए, हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में कि जब थीटा 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब जो एरिया की जो प्लेन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी, फ्लक्स जीरो आएगा। लेकिन जब थीटा 0 डिग्री होगा तो जो एरिया की प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, तो फ्लक्स आपका आएगा जो भी आएगा, ऐसा ही यहाँ भी होगा, यानी कोई अंतर नहीं है। हमने डी फाई ई लिखा था वहाँ पर, डी फाई ई लिखा था, क्या लिखा था, डी फाई ई, डी फाई ई को लिखा था ई वेक्टर डॉट स्मॉल एरिया डी ए वेक्टर, ऐसे लिखा था। आज भी हम ऐसा ही लिखेंगे, डी फाई एम, क्या लिखेंगे इसको, डी वेक्टर डॉट स्मॉल एरिया डी ए वैक्टर, ऐसा ही लिख दिया। फिर हम फाई ई लिखेंगे, तो उसको हमने क्या लिखा था वहाँ पर, हमने वहाँ लिखा था इंटीग्रेशन फॉर एनक्लोज सरफेस, इंटीग्रेशन फॉर एनक्लोज सरफेस, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। फिर हम यहाँ भी ऐसा ही लिखेंगे फाई एम, अगर एनक्लोज सरफेस है तो, अगर एनक्लोज सरफेस है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एनक्लोज सरफेस हटा देंगे। जैसे मान लो एनक्लोज सरफेस ना हो तो आप ऐसा लिख दीजिए कि साहब एनक्लोज सरफेस नहीं है, ये लो, एनक्लोज सरफेस नहीं है, है ना, मत बनाओ ये वाला गोला, यहाँ भी हो सकता है एनक्लोज सरफेस ना हो। अच्छा, अब यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, बस केवल वही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में और मैग्नेटिक फ्लक्स में। हमने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये पढ़ाया था कि अगर एनक्लोज सरफेस है ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर, तो हमने पढ़ाया था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इज चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस, जो भी एनक्लोज सरफेस है। यहाँ मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊँगा, बहुत स्ट्रिक्टली ये बात बताऊँगा कि ये जो आएगा
बी वैक्टर डॉट डे वैक्टर फॉर द एनक्लोज सरफेस, फॉर द एनक्लोज सरफेस ये हमेशा ही जीरो आएगा, यानी ये आंसर हमेशा जीरो आएगा, यानी इस नेचर में एक भी केस ऐसा अवेलेबल नहीं है कि एनक्लोज्ड सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स नॉन जीरो हो जाए। यानी अगर एनक्लोज्ड सरफेस है तो एंटायर मैग्नेटिक फ्लक्स को जीरो होना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जीरो होना जरूरी नहीं था, नॉन जीरो हो सकता था, बल्कि ज़्यादातर केसेज में नॉन जीरो ही होता था। यहाँ हर केस में जीरो ही होगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एक एनक्लोज सरफेस में हर हालत में जीरो होगा। कारण क्या है, ये एक क्वेश्चन मार्क है कि साहब ऐसा क्यों, यहाँ नॉन जीरो हो सकता है, यहाँ आप कह रहे हो हर हालत में ही जीरो होगा, यानी कि एनक्लोज सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स बिना आँख मीच करके क्या हम जीरो लिख देंगे? तो मैंने कहा हाँ, हमेशा आँख मीच के जीरो लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन केवल एनक्लोज सरफेस के लिए। अगर ओपन सरफेस है, एनक्लोज सरफेस नहीं है, तो फिर तो आप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे कैलकुलेशन? बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सारे क्वेश्चन कर डालो दोबारा से, क्योंकि वो सारे मैग्नेटिक फ्लक्स में है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सारे क्वेश्चन दोबारा कर डालो, क्योंकि सारे मैग्नेटिक फ्लक्स में है। समझ गए? एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो यहाँ ना हो, सारे वो का वही एग्जैक्ट सेम। ठीक है, तो वो आप कर लीजिए। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डिस्कस किया उसका नाम था फैराडे। तो देखिए, फैराडे इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे इज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बस ये दो लॉ हैं फैराडे के, और इन दो लॉज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन किया है पूरा पूरा। सबसे पहला, फर्स्ट लॉ, तो देखिए मैं बात कर रहा हूं फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। यहां मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखूंगा, फैराडेज फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन्स अस द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना? हाँ जी, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, ये वाई है, है ना? फैराडेज फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन्स अस, फैराडेज फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन्स अस द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये कारण को बताता है, यानी फैराडे फर्स्ट लॉ हमें बताता है क्यों होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका कारण एक्सप्लेन करता है। तो व्हाट दिस लॉ स्टेट्स, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड और एसोसिएटेड ध्यान दीजिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड और एसोसिएटेड विथ एनी सर्किट और एनी लूप और विथ एनी नेटवर्क चेंजेज विथ टाइम देन induced EMF is created and induced current is produced। भैया EMF आया है तो करंट भी भेज जाएगा, induced current is produced।
अब यहाँ एक इन्होंने बड़ी जोरदार कंडीशन लिख दी है और वही कंडीशन सारा कमाल कर रही है। वो देखिए क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज क्रिएटेड ओनली व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज विथ टाइम है ना। हाँ, टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स बदलना चाहिए, है ना। If phi m changes with time, then E is created, है ना, I is created, right? If phi changes with time, है ना, when phi m not changes, तो भैया then no EMI takes place, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको देखो ये बात समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने यहां पर कोई कॉइल रख दी, रख दी ना, ये तार की बनी हुई कोई कॉइल है। अब यहां मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख दिया साहब, बहुत तगड़ा वाला, बहुत भारी खतरनाक मैग्नेट रख दिया, एन रख दिया और एस रख दिया, रख दिया। ये कॉइल यहां है, मैग्नेट यहां है, दोनों आराम से मस्ती से बैठे, कुछ नहीं होगा, चाहे जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने इस मैग्नेट को थोड़ा इधर की तरफ या उधर की तरफ ले जाना चालू किया, इसमें करंट बहना चालू हो जाएगा। हाँ, इसके अंदर ईएमएफ आ जाएगा, इसमें करंट आ जाएगा। और जितनी देर आप इसको ऐसे करते रहेंगे, यहाँ पे करंट बहता रहेगा। देखिए, हम जब छोटे थे, आप लोग कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट, कोई खास बात नहीं है। जैसे आपकी पेन की वो होती है, पेन होता है ना आपका, कलम, उसके अंदर स्प्रिंग आती है, तो आप पेन की स्प्रिंग लीजिए। आप ये वाला एक्सपेरिमेंट घर पर कर सकते हो, पेन की स्प्रिंग ले ली, इसके बाद आप एक बैट वो जो है ना टॉर्च वाला बल्ब आता है ना, टॉर्च वाला बिल्कुल छोटा बल्ब, माइक्रो बल्ब, टॉर्च वाला, वो माइक्रो बल्ब इस के अक्रॉस आप लगा दीजिए, तो ये आपका माइक्रो बल्ब है, बहुत छोटा सा बल्ब है बेटा माइक्रो, इसको आपने यहाँ लगा दिया, राइट, ये लगा दिया, ओके। अब आप एक मैग्नेटिक बार ले आइए, तो मैग्नेटिक बार ले आओ। अब मैग्नेटिक बार को आप यहाँ रखो, और मैग्नेटिक बार का कुछ भी रख दो, आप एन रख दो, एस रख दो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी रख दो। आप इसके पास लाइए, दूर ले जाइए, करते रहिए, ये बल्ब जलता रहेगा, हाँ जलेगा, ऐसे करेंगे तो जैसे ही रुक जाएंगे बल्ब बुझ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो एनर्जी है वो उसमें खर्च हो रही है। आपने खाना खाया था तो आपके शरीर में एनर्जी है। अब आप अपने हाथ से पकड़ करके इस मैग्नेट को पास ले जा रहे हो, दूर ले जा रहे हो, तो आपका बल्ब जल रहा है। अगर आपने इसको स्टेग्नेंट कर दिया, स्टॉप कर दिया, चलना फिरना बंद कर दिया, तो फिर नहीं जलेगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप पास लाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है, तो चेंज होता है, तो बल्ब जलता है। जब आप दूर ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है, तो भी चेंज है, तो भी बल्ब जलेगा। यानी इंक्रीज होगा फ्लक्स तो भी बल्ब जलेगा, डिक्रीज होगा तो भी बल्ब जलेगा, बल्ब हर हालत में जलेगा, फ्लक्स चेंज होना चाहिए बस। अगर आपने फ्लक्स को चेंज नहीं किया तो चाहे जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख दो कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो इंसिडेंस होता है
वो केवल मैग्नेटिक फील्ड होने से नहीं हो जाता कि साहब आपने बहुत जोरदार मैग्नेट रख दिया, खड़ा कर दिया तगड़ा वाला मैग्नेट, अब तो EMI हो जाएगा ना, जीरो। जैसे ही आप उस फ्लक्स को बदलने की कोशिश करेंगे, उसको हिलाने की कोशिश करेंगे, चेंज का प्रयत्न करेंगे, तब होगा, तब यह घटना होगी, समझ गए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना तभी होगी जब चेंज होगा। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है, राइट। चलिए अब हम सेकंड लॉ की बात करेंगे। देखिए फैराडे के फर्स्ट लॉ ने केवल कॉज बताया है आपको, है ना। हाँ, तो ध्यान दीजिए, फैराडे सेकंड लॉ, देखिए फैराडेज फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन्स अस द कॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। दिस लॉ गिव्स अस मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दिस लॉ गिव्स अस मेजरमेंट ऑफ EMI और इंड्यूस्ड EMF एक ही बात है ना, क्योंकि इंड्यूस्ड EMF का मतलब ही EMI है, इंड्यूस्ड EMF, राइट। तो होता क्या है कि when magnetic flux changes then induced EMF को हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, है ना। हाँ, when magnetic flux changes then induced EMF small e is equal to rate of change of magnetic flux with respect to time। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक मतलब EMF जो है, इंड्यूस्ड EMF, ये होता है d phi m upon dt, मैग्नेटिक फ्लक्स की रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आप ध्यान दीजिए, यहां मैं आपको एक चीज के लिए सावधान कर देता हूं, जो बहुत सारे बच्चे गलत फहमी में रहते हैं, कई बार बच्चे भी ध्यान नहीं देते और पता नहीं बुक्स वगैरह में भी कई बार लिख दिया जाता है। यहाँ माइनस साइन आपको नहीं लगाना है, माइनस साइन इज नॉट पार्ट ऑफ द फैराडेज लॉ, ध्यान दीजिए। कई बार यहाँ पे माइनस साइन लगवा दिया जाता है, जबकि ऐसा वो फैराडेज लॉ का पार्ट नहीं है। माइनस साइन लगाऊंगा, मैं भी लगाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, वो माइनस साइन मैं लेंज लॉ के साथ लगाऊंगा, ठीक है। अब कभी कभी लग जाता है तो वो गलत हो जाता है, टेक्निकली गलत हो जाएगा, तो आपको हो सकता है, वैसे बोर्ड वगैरह में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपके ये एडवांस वाले एग्जाम होते हैं, मेंस वाले होते हैं, वहाँ पे कुछ नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, तो आपको यहाँ नहीं लगाना है माइनस साइन, राइट। तो दो आपके पास लॉ हो गए फैराडे के। फर्स्ट लॉ क्या हो गया, कारण वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। जब चेंज होगा तो EMI होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, राइट। दूसरा कारण क्या है, इंड्यूस्ड EMF, ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंड्यूस्ड EMF, हमेशा E = रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, करेक्ट, ये आपका इंड्यूस्ड EMF आ गया। अब आप आते हैं एक और लॉ पर, वो इसका इंटीग्रल पार्ट है, इसका EMI का, EMI उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है, एक्चुअल में वही सबसे असली लॉ है। फैराडेज लॉ ने तो कैलकुलेशन कर दी, एक आपको अमाउंट बता दिया कि भैया इतना होता है, कारण बता दिया, लेकिन एक तीसरा लॉ है जिसे हम कहते हैं लेंस लॉ, ये इसकी जान है इस चैप्टर की, है ना। पूरा चैप्टर ही एक्चुअल में इस लेंस लॉ पर बेस्ड है, लेंस लॉ। ठीक है, देखिए दिस लॉ
दिस लॉ इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ जी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है, देखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट इन ऑल केसेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ध्यान देना, दिस लॉ स्टेट्स दैट इन ऑल केसेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन the induced EMF or the induced current, ध्यान दीजिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट इन ऑल केसेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन the induced current is created or produced, current flow होता है, in such a way or in such a manner so that it always opposes its cause of प्रोडक्शन और क्रिएशन, है ना, कॉज ऑफ प्रोडक्शन और क्रिएशन, किसके कारण पैदा हुआ, उसी का अपोज करना क्रिएशन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो भी घटना इस दुनिया में होती है उसमें ईएमएफ जो डेवलप होता है और जो इंड्यूस्ड करंट होता है, ये दोनों होते ऐसे हैं, कुछ इस स्टाइल में होते हैं, इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से अरेंज होती है कि वो अपोज कर सके। अपोज इस चैप्टर का सबसे बड़ा वर्ड है, इस चैप्टर में सैकड़ों सवाल हैं और वो केवल अपोज पर बेस्ड है, किस पर बेस्ड है, अपोज, ये अपोज बहुत बड़ा वर्ड है साहब इस चैप्टर का, बहुत सारे सवाल केवल इस एक शब्द पर बेस्ड है, अपोज होगा जी, हर घटना में अपोज होगा, जिस कारण से फ्लक्स बढ़ रहा है उसका अपोज होगा, राइट, जिस कारण से फ्लक्स घट रहा है उसका अपोज होगा। देखिए मैं बताता हूं क्या होता है, जैसे मान लो ये आपने एक कॉइल रखी, यहां पर रख दिया आपने कॉइल, अब आप ये मैग्नेट है, राइट, ये आपका एन है, ये कॉइल रखा है, एन रखा है, एस रखा है, चुपचाप रखा है, कुछ नहीं होगा, रखे रखो 10 साल तक कुछ नहीं होगा, 10 साल तक, 20 साल तक, 1000 साल तक रख दो जी, रख दो, क्या है, कुछ नहीं, कुछ हो तो रहा नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको एन पोल को इसके पास लाया, अगर लेकर के आए, तो पता है क्या होगा, ये कॉइल खुद एन बन जाएगी, यानी इसमें करंट ऐसा बहेगा कि ये नॉर्थ पोल बन जाए, यानी एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगा इधर से, तभी तो नॉर्थ पोल बनेगी ना, आपको मैंने पढ़ाया था, यानी ये नॉर्थ पोल बनने का और वो नॉर्थ पोल आ रहा है तो क्या होगा, दोनों में युद्ध होगा, तो यानी पास आने का अपोज होगा, करेक्ट। अच्छा, अगर मान लो ये कॉइल है और आप इसको एन और एस रख दो यहां पे, और अब आप इसको दूर ले जाने लग जाओ तो फ्लक्स कम होगा तो ये अपोज करेगा, कहे दूर मत जाओ, ये कॉइल कहेगी दूर मत जाओ, यह खुद एस बन जाएगी, यानी कोइल में एन तब बनेगा जब एन पास आएगा, कोइल में एस तब बनेगा जब एन दूर जाएगा,
क्योंकि दूर जाते हुए एन को रोकना चाहेगी। यानी कुल मिलाकर के सिस्टम क्या चाहता है? सिस्टम चाहता है एज सच, नो चेंज। सिस्टम तो ये कहता भैया तुम कुछ मत करो, कुछ मत करो, ना तो दूर ले जाओ ना पास लाओ। अगर दूर ले जाओगे तो हम क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। पास लाओगे तो हम क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये सिस्टम कहता है। तो सिस्टम बहुत ही मस्त है, है ना? जैसे मान लो अगर आपने ये कॉइल है, अब आपने यहां पर एस रख दिया और यहां एन रख दिया। अब आप अगर इसको दूर ले जा रहे हो कि साहब मैं एस को दूर लेके जा रहा हूं, तो ये कॉइल खुद एन बन जाएगी, कहेगी नहीं भैया दूर मत जाओ, दूर मत जाओ, एन बन जाएगी, राइट? ओके। अगर मान लो ये कॉइल है और आपने यहां एस मैग्नेट रख रखा है, सॉरी थोड़ा मैं दूर रख दूं, ध्यान दो, आपने ये एस मैग्नेट रख रखा है। अब आप एस को पास लाना चाह रहे हो क्या? पास लाओ, एस पास में लेके आ रहे हो, तो वो खुद एस बनेगा, कहेगा नहीं पास नहीं आना, दूर जाओ तो दूर नहीं जाना, पास आओ तो पास नहीं आना, जहां हो वहीं रहो। रूल ये है, नेचर ये चाहती है, नेचर ये चाहती है। चलिए अब देखिए मैं एक दो केस और बताता हूं। जैसे मान लो ये आपकी एक कॉइल है, ये आपकी एक कॉइल है। अब अगर आप एन पोल को इसके पास लाना चाहते हो तो ये क्या बनेगा? इसको यहां एन बनना पड़ेगा जिससे कि अपोज कर सके। अगर आपको एन पोल को इससे दूर ले जाना चाहते हो, दूर ले जाना चाहते हो, तो इसको एस बनना पड़ेगा, इधर से एस बनना पड़ेगा। देखिए जो चीज इधर से एन बना इसका मतलब इधर से एस बना, जो चीज इधर से एस बना इसका मतलब इधर से एन बना, है ना? ये एन उधर दूर ले जाना चाहते हो आप, तो इसको एस बनना पड़ेगा जिससे अट्रैक्ट कर सके, रोक सके दूर ले जाने से। पास ला रहे हो तो इसको एन बनना पड़ेगा जिससे अपोज कर सके पास लाने को, है ना? इसी तरीके से अगर मान लो आपने ये लूप बनाया, अब आप ये मैग्नेट जो है ना, ये मान लो एस है और आप इस एस को दूर ले जाना चाहते हो, तो यहां इसको एन बनना पड़ेगा जिससे कि वो दूर जाने से रोक सके। एन और एस में अट्रैक्शन होता है, एन एन में रिपल्सन और एन और एस में अट्रैक्शन, अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होता है, समझ रहे हो? तो इसमें इस तरह से बनेगा, मतलब अपने आप बन जाएगा वो करंट, करंट ऐसा बहेगा कि वो एन बने। अब एक बात बताओ, करंट ऐसा बहे कि वो एन बने तो उधर एस बनेगा। इसका मतलब अगर आप इस कॉइल को जो इधर एस बन रहा है उधर एन बन रहा है, तो इधर से देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज करंट नजर आएगा, तभी तो एस बनेगा। हमने कहा था क्लॉकवाइज करंट नजर आएगा तब एस बनेगा, उधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट नजर आएगा। यहां मान लो आपने इधर से देखा तो ये क्लॉकवाइज करंट नजर आएगा, उधर से देखा तो एंटी क्लॉकवाइज करंट नजर आएगा। इसके अंदर इधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, उधर से देखोगे तो क्लॉकवाइज नजर आएगा, आएगा पक्का, पक्का आएगा, कभी गड़बड़ नहीं हो सकता, कभी गड़बड़ नहीं हो सकता, राइट? ये आपका लेंस लो है, है ना? अब अगर मैं फैराडेज लो को और लेंस लो को मिला के लिख दूं तो देखिए क्या होगा, है ना? कंबाइनिंग कंबाइनिंग फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ। लेंस लॉ तो एनर्जी कंजर्वेशन है। अब आप कहोगे सर लेंस लॉ एनर्जी कंजर्वेशन हुआ या एनर्जी बर्बाद करने वाला हुआ? मैं बताता हूं एनर्जी कंजर्वेशन है। देखो कंबाइनिंग फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ, आपका फर्स्ट लॉ क्या था फैराडे का? फैराडे का फर्स्ट लॉ था रीजन ऑफ द क्रिएशन ऑफ ईएमआई, है ना? तो वो ईएमआई का कारण था। सेकंड लॉ क्या था? अमाउंट था। तो सेकंड लॉ आपका था ई इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डी फाई एम अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फाई एम यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट? ओके। एंड लेंस लॉ के कारण माइनस आ जाएगा। ये अब आपका कंबाइंड लॉ हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, फैराडे लेंस लॉ। दिस इज इक्वेशन ऑफ फैराडे लेंस इक्वेशन, फैराडे लेंस इक्वेशन। अब एक सवाल उठता है, हाउ द लेंस लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन करो, आ सकता है एग्जाम में, तो बड़े आराम से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना? देखिए कैसे, जैसे अभी अभी मैंने आपको समझाया था, है ना, मैंने आपको समझाया था ना अभी भी कि भाई बल्ब जलाया, चलो एक बार दोबारा कर देते, कोई बात नहीं। इधर देखो, ये आपकी पेन की एक स्प्रिंग ली थी,
मैंने यहाँ पे टॉर्च का एक बल्ब लगाया था, स्मॉल टॉर्च बल्ब लगा दिया था ना, फिर मैंने कहा था इसको जोड़ दो यहाँ पे, फिर आप यहाँ पर मैग्नेट लग रख दो, अब आप बल्ब जलाओ, SN रख दो, एस कुछ भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप SN जो इधर उधर करो उससे कोई, इट मेक्स नो डिफरेंस, आपने रख दिया, रख दो, चुपचाप रखो, रखे रखो, दो दिन तक बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा, राइट। अब आप इसको हिलाओ, जितनी देर आप इसको दूर ले जाओ पास ले जाओ, बल्ब जलता रहेगा, यानी आप जब तक कार्यक्रम करते रहेंगे ना, प्रोग्राम करते रहेंगे हिलाने का, तब तक बल्ब जलता रहेगा। ये क्या हो रहा है जी? एक्चुअल में पता है, आपने खाना वगैरह खाया था, भोजन किया था, तो बेटा उसमें आपको एनर्जी मिली, वो अब आप इसको कर रहे हो इधर, और पता है क्या होने वाला है, होने वाला जोरदार, देखो क्या है, जैसे आप इस एस को पास लाएंगे, ये कॉइल आपको अपोज करेगी, कहेगी पास मत लाओ। अब क्या करना पड़ेगा आपको, पास लाने के लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अपोज हो रहा है वहां, तो पास लाने का, तो अगर अब आप पास लाना चाहते हैं तो आपको अत्यंत परिश्रम करना पड़ेगा, पसीना आ जाएगा आपको पास लाने के, तब बल्ब जलेगा, यानी बल्ब जलाना आसान काम नहीं है, बल्ब में एनर्जी निकल रही है साहब, बल्ब जलेगा तो एनर्जी निकल रही है, कहां से निकलेगी एनर्जी, मुफ्त में बल्ब जलाओगे क्या? नहीं जी, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, दूर ले जाओगे तो ये एन बन जाएगा, कहेगा नहीं दूर मत लेके जाओ। अब आप दूर ले जाना चाहते हैं तो भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पास लाना चाहते हैं तो अपोज होगा, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी, दूर ले जाना चाहते हो तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, वो दूर नहीं ले जाने देगा, अब आपको दूर ले जाने की इच्छा हो रही है और वो कह रहा है मत ले जाओ, तो लड़ाई हो गई ना, युद्ध हो गया ये तो। अच्छा, सपोर्ट कर दे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो गया, सपोज जैसे आप लाना चाहते हो पास और वो कोयल भी कहते चला गया, अब क्या हुआ, ये तो गॉड फेल हो गया, नेचर फेल हो गई, क्यों, ईश्वर ने तय किया है कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, उसकी कॉस्ट होती है, उसकी क्या होती है, कॉस्ट होती है, फ्री तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, समझ गए, तो ये बात है, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, उसके टर्न में रिटर्न गिफ्ट मिलेगा आपको, बल्ब जलेगा, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, राइट, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कल हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, आप देखिए ईएमआई का फॉर्मूला चार्ट खोलिए, आपको फॉर्मूला चार्ट भेजा हुआ है ना, तीनों चैप्टर का फॉर्मूला चार्ट मैंने एक साथ भेजा था, ईएमआई का फॉर्मूला चार्ट खोलिए आप लोग, तो देखिए सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स को पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे जाके पढ़ो, 100% सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, चलिए, और फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ ये ईएमआई के दिखा दिए, दोनों लॉ हैं, लेंस लॉ भी यहीं बताया हुआ है, ठीक है ना, बाकी अब बातें हम कल करेंगे, ठीक है, मतलब अगले लेक्चर में करेंगे, इंड्यूस चार्ज की बातें करेंगे अगले लेक्चर में हम, काफ़ी समय से इंड्यूस चार्ज की बात तो अपन एक मिनट में अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि इंड्यूस चार्ज में तो क्या है, देखो ई बराबर हमने आपको पढ़ाया इंक्लूडिंग लेंस लॉ और फैराडेज लॉ, डी फाई एम अपॉन डी टी, है ना, ये पढ़ाया हमने डी फाई एम अपॉन डी टी। अब मैं कहता हूँ आई करेंट होता है बेटा ई अपॉन आर, करेंट क्या होता है ई अपॉन आर, तो मैं कह दूंगा 1/r और ई की जगह क्या लिख दूंगा माइनस डी फाई मैग्नेटिक अपॉन डी टी, है ना, राइट, ये आई है, आई को मैं कहता हूँ डी क्यू अपॉन डी टी, आई को क्या कहता हूँ डी क्यू अपॉन डी टी, तो देखना माइनस 1/r डी फाई एम अपॉन डी टी, डी टी से डी टी को उड़ा दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी क्यू बराबर माइनस डी फाई एम अपॉन आर, इसका मतलब होता है कि इंड्यूस चार्ज जो है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर होता है, तो इंड्यूस चार्ज इन एनी फिनोमेनन, ध्यान दीजिए, इंड्यूस चार्ज इन एनी फिनोमेनन एनी फिनोमेनन ऑफ ईएमआई, इंड्यूस चार्ज इन एनी फिनोमेनन ऑफ ईएमआई विल बी
will be equal to ratio of change in magnetic flux to the resistance of circuit. ये आपका, तो अब देखिए आप, अब आप ऐसा करेंगे कि ये आपके पास में आ गया, तो ये हमेशा उसका रेशियो होता है, राइट। इंड्यूस चार्ज तक आ गए अपन। अब देखो ये जो डू योर सेल्फ है ना, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, ये सब पता है क्या है, ये सब वही क्वेश्चंस हैं जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कर चुके हैं, यानी आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, राइट, है ना। बाकी बातें अपन कल बहुत सारी बातें करेंगे अगले लेक्चर में, राइट। ओके, नमस्ते।